खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी ने अपने सांसदों को गांधी जी की सालगिरह के 150 साल पूरे होने पर पद यात्रा करने को कहा। हर लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर हो यात्रा। मोदी ने बीजेपी सांसदों से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रोज 15 किलोमीटर यात्रा करने को कहा है। संसद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, कर्नाटक में पोचिंग पॉलिटिक्स बंद करे सरकार। राजनाथ बोले, कांग्रेस से नहीं संभल रहा अपना घर, लेकिन अपने घर को अपने हाउस को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की साजिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसदों ने आज लोकसभा से वॉकआउट किया। प्लीज एक मिनट मान्य, एक मिनट एक मिनट। कर्नाटक मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद आज राज्यसभा में पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर ने कहा, मुझसे कोई बागी विधायक नहीं मिला है, 13 में से 8 इस्तीफे कानून के मुताबिक नहीं है। सीएम योगी ने कहा, अगर गाय कहीं ले जा रहे हैं तो गो सेवा आयोग सर्टिफिकेट देगा, सुरक्षा मिलेगी ताकि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ना हो। यूपी में बीएसपी सांसद दानिश अली ने संसद में उठाया मॉब लिंचिंग का मुद्दा, बोले मोदी सरकार इसको रोकने के लिए कानून लाए। बीजेपी ने 10 जुलाई के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया, अहम बिल आ सकता है। कल संसद में बजट पर चर्चा खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जवाब दे सकती हैं। लोकसभा की कार्यवाही रात 9 बजे तक बढ़ाई गई। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए सीडब्ल्यूसी के सदस्य नेताओं से बंद लिफाफे में 4-4 नाम भेजने के लिए कहा गया। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री तानाजी सावंत के घर के बाहर केकड़े फेंके। तानाजी सावंत ने कहा था, रत्नागिरी बांध केकड़ों की वजह से टूटा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर घुसपैठ 43% तक घट गई, मोदी सरकार ने दी जानकारी। प्राइवेट नौकरियों में एमपी के युवाओं को 37% आरक्षण देगी कमलनाथ सरकार, जल्द आएगा कानून। बल्ला कांड पर मोदी की फटकार के बाद बीजेपी विधायक आकाश की बोलती बंद हुई, एबीपी न्यूज के सवाल पर हाथ जोड़ लिए। उज्जैन में बीजेपी के संगठन मंत्री प्रदीप जोशी का अश्लील वीडियो और चैटिंग वायरल, पार्टी ने पद से हटाया। अलीगढ़ में बीजेपी पार्षद अलका गुप्ता और उनके पति पर बच्चे की पिटाई का आरोप, बच्चा अस्पताल में भर्ती। जेजेपी नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला बोले, हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी मिले नहीं तो चलने नहीं देंगे फैक्ट्री। 2016 और 18 में बीजेपी को 900 करोड़ का चंदा मिला, कांग्रेस के मुकाबले 16 गुना ज्यादा। यूपी के प्रयागराज में पेड़ों की कटाई से नाराज शख्स ने बिजली के खंभे पर चढ़कर प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की।